प्रतापगढ़ में फंसे जमातियों की मदद के लिए समाजसेवी मुख्तार खान ने बीड़ा उठाया है, जिसको लेकर जमातियों में खुशी की लहर दिखाई दी। दरअसल लॉकडाउन के दौरान प्रतापगढ़ में करीब 54 जमाती फंसे हुए थे, जिनमें से 3 जमातियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद अलग अलग जनपद से आए जमातियों को क्वारंटाइन किया गया था, जिसके बाद जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के करीब 35 दिन बाद भी जिला प्रशासन उन्हें छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। ईद का त्यौहार होने के कारण जमाती घर जाने के लिए बेचैन थे। ऐसे में समाजसेवी मुख्तार खान ने अपने साथियों के साथ लखनऊ जाकर गृह सचिव अवनीश अवस्थी से मुलाकात की और पूरे मामले से अवगत कराया, जिसके बाद गृह सचिव ने सभी जमातियों को क्वारंटाइन सेंटर से रिहा करने का फरमान जारी कर दिया, जिससे जमातियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। चंपा सुत्ती कारखाने पर ये कारखाना मुस्तफा खान साहब का है, जो अपने समय के एक बड़े समाज सेवी रहे हैं। ऐसे में ही उन्हीं के कर कमलों पर उनके साहबजादे चल पड़े हैं। यहाँ पर 54 से ज्यादा जमाती परेशान थे, क्वारंटाइन कर दिए गए थे, वो अपने घर नहीं जा पा रहे थे। 4 दिन बाद ईद थी, वो अपने घर जाने को मजबूर थे। ऐसे में हम बात करते हैं, अंदर चलते हैं, बात करते हैं इनके साहबजादे से कि किस तरह से उनकी मदद की गई और उनको किस तरह से उनके घर भेजा जा रहा है। तो कैसे जाएंगे, तो यहाँ लोग सभी नेता लोग कह रहे थे प्रशासन जाने। अब देखिए, मैं राजनीति करता नहीं हूँ, लेकिन मुझे प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता मुझे पता नहीं है। कि हमारे दोस्त मिस्टर तबेज अशर साहब हैं, और इन्होंने मुझसे कहा मुख्तार भाई चलिए डीएम से, तो हम लोग गए डीएम से मिले। डीएम ने सीधे कहा हम नहीं करते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, आप लोग लखनऊ शासन जाकर आ जाइए। फिर हम लोगों ने सुबह परसों सुबह हम लोग लखनऊ चले गए, तो वहाँ पर एक हमारे समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अरशद खान साहब हैं, जो पूर्व महासचिव समाजवादी पार्टी के हैं। मैंने उनसे कहा और उन्होंने मेरी बात को समझा, तो उन्होंने अपने लेटर पैड पर एक लेटर बना करके हम शमीर साहब प्रदेश अधिवक्ता और संघ प्रदेश साहब के साथ गए जिला सचिव के पास। उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि भाई हमारे ये प्रतापगढ़ जमात है और एक मुरादाबाद की है, उत्तर प्रदेश से तमाम जमातें फंसी हुई हैं, जो ईद का मौका भी आ रहा है, इसको घर जाने के लिए सरकार हमारी पूरी मदद करे। तो लौटा, उन्होंने कहा मुख्तार भाई मैंने सारे पेपर तैयार रखे हैं और आर्डर आ गया है, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अधिकारी यहाँ के बोलचाल की भाषा बदल चुकी है और सब ये जमातियों को ले जाने के लिए गए, बल्कि यहाँ तक है कि रातों रात जमातियों को ले चले जाओ। तो हेमंत जी ने कहा कि नहीं, मैं पूरा लिस्ट तैयार कर रहा हूँ और मैं अपने लिस्ट के हिसाब से मिलाने के बाद भी मैं सुबह बताऊँगा। जनपद में टोटल कितने जमाती थे? करीब 54 लोग थे यहाँ।